मेरी पत्नी लेखा श्रीलेखा वो अलीगढ़ की है और चौहान है, ठाकुर है, ठाकुर खानदान से है। अब जब मैं घर में कई दिन हो जाते हैं मैं व्यस्तता के बाद जब उनको समय नहीं देता हूं तो फिर मुझे ठकुराइन का रूप देखना पड़ता है, तो उनको मैं मना लेता हूं किसी तरह, और इसीलिए आपको भी मना रहा हूं कि इसको इस बात को अन्यथा न ले आप बिल्कुल भी। जब मैं लौट कर आऊंगा तो बहुत समय होगा, आराम से मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द दूर करेंगे, आपकी आप मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनिएगा। तीसरी बात, जो मीडिया मुझसे बहुत पूछता है कि आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं अपने वोटर्स के पास, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि न तो मैं मुंह खोलता हूं ना मेरे जो वोटर्स है वो मुंह खोलते हैं, कोई बात ही नहीं होती। मैं गाड़ी में जब खड़ा होता हूं तो चारों तरफ से इतने फूल मेरे ऊपर आते हैं, इतने आशीर्वाद मेरे से मांगे जाते हैं, इतने दंडवत प्रणाम मुझे किए जाते हैं कि कहीं किसी डायलॉग की गुंजाइश नहीं है। एक डायरेक्ट कनेक्ट है जो आंखों से आंखों में होता है और उनके चेहरे के भाव मैं देखता हूं, मेरे चेहरे के भाव वो देखते हैं, मैं उनका अभिवादन स्वीकार करता हूं और वो मेरा अभिवादन स्वीकार करते हैं। मुद्दे जो डिपेंड करते हैं वो विकास पर डिपेंड करते हैं। आज का एक ही मुद्दा है हमारे पूरे देश का विकास, जिसकी राह जिसकी गति ऊपर श्री मोदी जी ने और हमारे प्रदेश में श्री योगी जी ने निर्धारित कर दी है। विकास एक प्रक्रिया है, वो कहीं भी खत्म नहीं होता, कहीं भी रुकती नहीं है। तो जितना मेरठ और हरपुर लोकसभा में काम हुआ है उसको आगे बढ़ाना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये मुद्दे की बात करना कोई मुझे नहीं लगता कि इस समय ये समय है। तो वापस आऊंगा आपके साथ, आपकी जो भी परेशानियां होंगी जो भी बात होगी उसको मैं पूरा ध्यान रखूंगा और अपनी क्षमता के साथ अपनी योग्यता के साथ उन्हें हल करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा।